महाराष्ट्र राज्य पूरे देश को प्याज के बीज की आपूर्ति करता है, जबकि बुलडाना जिला बीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। बुलडाना जिला राज्य को प्याज के बीज की 30% आपूर्ति करता है। बुलडाना जिले में कपास और सोयाबीन मुख्य रूप से खरीफ मौसम के दौरान उगाए जाते हैं, जबकि गेहूं, चना और मूंगफली का उत्पादन रबी मौसम के दौरान किया जाता है। बुलडाना जिले में उत्पादित बीजों की गुणवत्ता भी अच्छी बताई जाती है। बीज उत्पादन के साथ साथ प्याज उत्पादन जिले में भी बढ़ रहा है। नमस्कार, मी डॉक्टर अनिल साहेबराव तारू, वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख कृषी विज्ञान केंद्र बुलढाणा। आपल्या देशाच्या एकूण कांदा उत्पादनाचा जर विचार केला तर महाराष्ट्र कांदा उत्पादनामध्ये देशात अव्वल आहे। त्यातल्या त्यात बीज उत्पादनाचा जरी विचार केला आपण तर महाराष्ट्र पूर्ण देशाला कांद्याचं बियाण्याचा पुरवठा करते। महाराष्ट्रातील कांदा बीज उत्पादनाचा जर आपण विचार केला तर बुलढाणा जिल्हा एकटा जिल्हा 30% कांदा बीज उत्पादनाचं काम पूर्ण महाराष्ट्रात करतो आणि बीज उत्पादनाची क्वालिटीसुद्धा अतिशय उत्तम असते। लेट रब्बी आणि रब्बीची सुरुवात या दोन्ही हंगामामध्ये बीज उत्पादनाचा कार्यक्रम बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये अतिशय चांगल्या रीतीने शेतकरी करत आहेत। यावर्षीसुद्धा बीज उत्पादनाची मागणी बघता, कांदा बीजवाईची मागणी बघता बुलढाणा जिल्हा पूर्ण महाराष्ट्राला 30% कांदा सप्लाय करू शकतो असे दिसून येत आहे। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर।